यहाँ पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। पर्यावरण नियम को ताक पर रखकर अवैध रूप से चल रही ईंट भट्ठा एवं क्रेशर प्लांट की जांच के लिए गठित जिला टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिशनपुरा प्रखंड में अवैध चिमनी ईंट भट्ठा एवं क्रेशर प्लांट को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। जिला खनन पदाधिकारी विनय ओझा ने जानकारी देते हुए कहा कि ओढ़ैया में नंदू शाह का क्रेशर प्लांट अवैध पाया गया, जिसे ध्वस्त किया गया और साथ ही इसके मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। इस कार्रवाई में एसडीओ कमलेश्वर नारायण, एसडीपीओ नीरज कुमार, रेंजर उदय शंकर, बिशुनपुरा सीओ अरुणिमा एक्का, खनन इंस्पेक्टर सुनील कुमार, थाना प्रभारी करुणा शंकर दुबे सहित पुलिस बल शामिल थे। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की कार्रवाई के क्रम में जो अभी कार्रवाई हम लोग 3 मई से 4 और 5 मई तक जारी रखेंगे, उसमें ये निर्णय हुआ है कि जितने भी अवैध रूप से क्रशर संचालित हैं और जितने भी चिमनी भट्टे हैं जिनके लिए किसी तरह का लाइसेंस निर्गत नहीं है, उन पर विधिवत विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। उसी कार्रवाई के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। ये क्रशर अवैध पाया गया है और आश्चर्य की बात ये है कि ये क्रशर वन विभाग क्षेत्र के अंतर्गत भी पाया गया है। तो इन क्रशर को डिसमेंटल किया गया है जेसीबी के द्वारा और इसके ऊपर, इसके मालिक के ऊपर और जो भी अभियुक्त इसमें शिनाख्त होंगे उनके ऊपर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये चिमनी भट्टों की जांच की है जिसमें सब कुछ सही पाया गया है, उसके लिए को बताया गया है, उनको दिशा निर्देश दिया गया है। बाकी जिनको भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है उनके दर्द को करते हुए उनके भविष्य में आप कभी भी बिना किसी कागज के इसका संचालन नहीं करेंगे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।